नमस्कार, सियासी दंगल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तर प्रदेश में आजकल डेंगू और वायरल फीवर ने कहर बरपा रखा है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंगू की मार फिरोजाबाद जिले पर पड़ रही है, जहां कई बच्चे डेंगू का शिकार होकर अपनी जिंदगी गंवा चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद का दौरा कर जरूरी दिशा निर्देश भी जारी कर दिए थे। वहीं सीएम योगी के दौरे के बाद भी स्थिति में बहुत ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। चूंकि 2022 में विधानसभा चुनाव है और हर विपक्षी दल को ये बात पता है कि अगर बीजेपी को घेरना है तो कोई भी मुद्दा हाथ से छोड़ना ठीक नहीं है। बस इसी के चलते बीजेपी पर कुछ नरम रुख अपना रही मायावती ने भी सीएम योगी को नसीहत दे डाली है। मायावती ने ट्वीट कर सीएम योगी से डेंगू पर ज्यादा ध्यान देने की अपील की है। इससे पहले शिवपाल समेत अखिलेश भी योगी सरकार पर निशाना साध चुके हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में इन दिनों डेंगू का कहर बरस रहा है। खास तौर से फिरोजाबाद में डेंगू के बुखार से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं जिले में अस्पताल डेंगू के मरीजों से भरे हुए हैं। पिछले दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद पहुंचकर अस्पतालों का दौरा किया और अधिकारियों और चिकित्सकों को दिशा निर्देश भी जारी किए। डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल जो यहाँ पर बनाया गया था मेडिकल कॉलेज में, उसको सुरक्षित इसी के लिए कर दिया गया। मेडिकल कॉलेज में 3 मौतें हुई, जिसमें से 2 पहले से ब्रॉड डेड थी और एक की दुखद मौत वहाँ पर हुई बच्चे की। शेष प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आगरा में भी कुल मिलाकर के जो घर में या अन्य क्षेत्रों में मौतें हुई हैं, वो लगभग 32 बच्चों की और 7 एडल्ट की मौत होने का पूरा वो है। यहाँ पर मैंने उत्तर प्रदेश शासन से मेडिकल एजुकेशन की भी और सर्विलांस की भी टीम को यहाँ पर भेज करके हम इसकी जांच कराना चाहते करा रहे हैं कि मामला संदिग्ध डेंगू से सब जुड़े हुए हैं या और भी कोई मामला है, जिससे हम लोग उसके उसमें जा सकें। वहीं अभी के हालातों पर अगर नजर डालें तो स्थिति थोड़ी सुधरी है, लेकिन दूसरे राजनीतिक दलों ने डेंगू से हो रही मौतों पर दुख जाहिर किया है। वहीं सीएम योगी को भी सलाह देना राजनीतिक दलों ने शुरू कर दिया है। पहले प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने फिरोजाबाद जाकर नाराजगी जाहिर की और योगी सरकार को जमकर कोसा। आप खुद सुनिए कि शिवपाल यादव ने अपने दौरे के बाद क्या कुछ कहा था। देखिए, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है, पूरे प्रदेश की ध्वस्त, यहाँ की भी ध्वस्त। देखिए, बहुत खतरनाक है ये डेंगू, बहुत खतरनाक है। और यहाँ पर देखिए 2 जनप्रतिनिधियों का झगड़ा भी है, तो उसकी वजह से सफाई भी नहीं हो रही है। यहाँ 4 साल से बिल्कुल सफाई का भी नहीं हो रही है, गंदगी का अंबार है। तो हम तो यही हैं, हमारी अपील है मुख्यमंत्री से, सभी से, प्रशासन के लोगों से। एक तो दवाई जो अधोमानक है उसमें बहुत सुधार, डॉक्टर्स और सभी स्टाफ की व्यवस्था होना चाहिए, सफाई का इंतजाम होना चाहिए, ये सब चीज की व्यवस्था होना चाहिए। डेंगू पर हो रही जमकर राजनीति के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी फिरोजाबाद का दौरा कर अधिकारियों और जिम्मेदारों को दिशा निर्देश जारी किए। सीएम योगी अपने दौरे के दौरान मरीजों का हालचाल जानने भी पहुंचे थे और हर संभव इलाज का भरोसा भी जनता को दिया था। हर एक व्यक्ति को बेहतर सर्विलांस के माध्यम से उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं और हर पेशेंट को प्राइवेट क्लिनिक या हॉस्पिटल में ले जाने की बजाय मेडिकल कॉलेज में ही सरकारी एम्बुलेंस के माध्यम से वहां तक पहुंचाया जा सके, इसके बारे में स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं।
किन कारणों से इस प्रकार की स्थिति पैदा हुई है इसके बारे में भी मैंने पूरी रिपोर्ट तलब की है, और प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य की बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाना, किन कारणों से इस प्रकार की परिस्थिति हुई है इसी को देखने के लिए मैं आज स्वयं पहले मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया हूं। वहीं अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार को हिदायत दे दी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में डेंगू के साथ ही वायरल फीवर भी इन दिनों बड़ी समस्या बनकर सामने आया है। फिरोजाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे के बाद भी हालातों में सुधार नहीं देखने को मिला है। डेंगू के साथ वायरल फीवर ने प्रदेश को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती बेहद चिंतित है। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार से हुई मौतों पर मायावती ने गहरी चिंता जताई है। उन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार से इस ओर अधिक ध्यान देने का आग्रह भी किया है। बसपा सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने फिरोजाबाद और अन्य जिलों में डेंगू तथा अन्य प्रकार के बुखार के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जाहिर की है। मायावती ने एक ट्वीट कर कहा कि सरकार इस पर जरूर ध्यान दे। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के बीच डेंगू व अन्य रहस्यमयी बुखार आदि का प्रकोप भी तेजी से लगभग पूरे प्रदेश को अपनी जद में ले चुका है। सरकारी अस्पतालों में उचित व्यवस्था के अभाव में इनके मरीजों में काफी मौतें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि यह सब अति चिंतनीय है, सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में पिछले दिनों पहले डेंगू तथा वायरल बुखार से कम 155 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें सर्वाधिक 55 लोग फिरोजाबाद से हैं। इसके अलावा मथुरा, आगरा तथा अन्य जिलों में भी ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मैनपुरी और फरुखाबाद में भी डेंगू के काफी मामले सामने आ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी सरकार को इस मामले पर घेर चुके हैं। अपने फिरोजाबाद के दौरे के वक्त लल्लू ने सरकार पर जमकर हमला बोला था और योगी सरकार पर जमकर लापरवाही का आरोप लगाया था। का विभाग क्या कर रहे थे, उनके कर्मचारी क्या कर रहा था, उनका एलआईओ क्या कर रहा था, उनका इंटेलिजेंस, लोग मर रहे थे और वो हवाई जहाज की यात्रा करने में व्यस्त थे, राष्ट्रपति से चुनाव प्रचार कराने में व्यस्त थे। उनको 9 दिनों में मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त नहीं हुई। यानी ये मुख्यमंत्री पूरी तरह फेल हो चुके हैं। उन्होंने अपने मुंह से सकारा है, ये मौत के जिम्मेदार स्वतः उत्तर प्रदेश की सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। बता दें कि पहले कोरोना के चलते यूपी में बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर से लड़ने के बाद अब जब लोगों ने राहत की सांस ली थी, तब इसके बाद से डेंगू और वायरल का कहर लोगों पर बरप रहा है। बड़ी बात यह है कि 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव भी हैं और राजनीतिक दलों को ये बात पता है कि बीजेपी को घेरने का कोई भी मौका इस समय छोड़ने वाला नहीं है। बस इसी को लेकर कोई भी राजनीतिक खिलाड़ी सरकार को हिदायत देने से नहीं चूक रहा है, तो कोई सरकार को लगातार कोस रहा है, लेकिन इन सब के बीच जनता अभी भी मुश्किल भरे दौर से गुजर रही है।
डेस्क रिपोर्ट प्राइम टीवी। वहीं उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अभी से सरगर्मी तेज हो गई है। सभी दल अपने अपने पैतरे चल रहे हैं। कोई प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन कर रहा है तो कोई चाणक्य के सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। वहीं कांग्रेस जो सबसे पुराना राजनीतिक दल माना जाता है वो यूपी में कोई खोई राजनीतिक जमीन को तलाशने में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा यूपी का लगातार दौरा कर रही है। आज अपने तय समय से पहले वो लखनऊ पहुंच गए। अब कल वो कांग्रेस पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी चुनाव के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगी। प्रियंका गांधी का यूपी दौरा अपने आप में खास मायने रखता है, क्योंकि अगर 2017 की बात की जाए तो कांग्रेस को सिर्फ 7 ही सीटें यूपी में मिली थी और लगभग 30 सालों से कांग्रेस यूपी की सत्ता से बाहर है। इसी के चलते प्रियंका गांधी लगातार यूपी का दौरा कर रही है, लेकिन बीजेपी प्रियंका के दौरे को पिकनिक बता रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुरानी राह पर लाने के प्रयास में लगी पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका वाड्रा निर्धारित समय से पहले ही लखनऊ पहुंच गई। उनको लखनऊ शाम की फ्लाइट से आना था, लेकिन वो दोपहर में ही पहुंच गई। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर कांग्रेस विधान मंडल दल की नेता आराधना मिश्रा और मोना ने उनका स्वागत किया। प्रियंका गांधी का प्रयास उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुरानी राह पर लाने का है। पार्टी की महाराष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ के दौरे पर हैं। उनका शुक्रवार व शनिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में लगातार बैठक कर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के लिए पार्टी की रणनीति तैयार करने का कार्यक्रम है। लखनऊ में पार्टी के नेता उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश कांग्रेस की मिशन 2022 को लेकर रणनीति तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर बेहद गंभीर हो चुकी कांग्रेस ने भी अपने मोहरे सजाने का काम शुरू कर दिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज नई दिल्ली से फ्लाइट से लखनऊ पहुंची। प्रियंका गांधी वाड्रा 10 व 11 सितंबर को पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ मिशन 2022 को लेकर मंथन करेंगी। इस दौरान वह यहां पर कई अहम बैठकें करेंगी। प्रियंका गांधी 10 सितंबर को कांग्रेस मुख्यालय पर सुबह 10 बजे सबसे पहले यूपी कांग्रेस की एडवाइजरी एंड स्ट्रेटेजी कमेटी के साथ बैठक करेंगी। इसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी के साथ बैठक के बाद प्रियंका जोनवार बैठक करेंगी। प्रियंका गांधी विधानसभा चुनावों को लेकर उत्तर प्रदेश के सियासी और जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए अपने उम्मीदवारों का चयन और उनके नामों की घोषणा के साथ प्रमुख चुनावी मुद्दों को लेकर अहम रणनीति भी बनाएंगी। बहुत सारे मुद्दे हैं, जिस तरह से हमने अभी हाल ही में पंचायत चुनाव में देखा किस तरह से अराजकता हुई, किस तरह से न्याय कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई, महंगाई के मुद्दे हैं, किसानों के हैं, नौजवान की बेरोजगारी, इन सभी मुद्दों को लेकर के और 2022 की किस तरह से कांग्रेस तैयारी करेगी, किन मुद्दों को लेके जाएगी, इन पर
चिंतन भी होगा, मंथन भी होगा, वरिष्ठ नेता सब बैठेंगे, पार्टी के कार्यकर्ता बैठेंगे, उनसे संवाद करेंगे प्रियंका जी, और अपने 3 दिवसीय इस प्रवास पे 2022 में एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस पार्टी एक विकल्प बनकर के उत्तर प्रदेश में आएगी। इसी के साथ प्रशिक्षण शिविरों का भी फीडबैक लेंगी। यूपी में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए प्रियंका गांधी नए कृषि कानूनों के खिलाफ, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, खेती किसानी और महंगाई के साथ राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ संघर्ष की रणनीति बनाएंगी। प्रियंका गांधी लखनऊ प्रवास के दौरान हर गाँव कांग्रेस अभियान की समीक्षा करेंगी। हर जोन से जुड़े सभी पदाधिकारियों को जोन पर किए गए कार्यों की लिखित जानकारी के साथ पहुंचने का निर्देश दिया गया है। श्रीमती प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में 2 दिन के संगठन की समीक्षा के दौरान जो उत्तर प्रदेश में सलाहकार समिति है उनके साथ वो बैठेंगी, चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी, चुनाव कमेटी के साथ बैठकर प्रत्याशियों के चयन पर भी चर्चा करेंगी, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जो कांग्रेस पार्टी का हमारा हर गांव कांग्रेस अभियान है उसके तहत जो प्रशिक्षण चल रहा है उसमें जिलाध्यक्षों से वो सब बैठक करेंगी, संवाद करेंगी, उनके साथ बैठकर चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी और कांग्रेस पार्टी के 2022 के चुनाव की गति को तेज करने का काम करेंगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार जब से वो उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुद्दे पर आवाज़ उठा रही हैं, इन सब विषयों पर वो समीक्षा करेंगी और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के जो मुद्दे होंगे, कांग्रेस पार्टी की जो रणनीति होगी उस पर चर्चा होगी, उस पर चिंतन होगा। इस दौरान प्रियंका गांधी हर जोन में गठित कांग्रेस की ब्लॉक और न्याय पंचायत समिति के साथ ग्राम सभा अध्यक्षों के गठन की विस्तृत समीक्षा करेंगी। प्रियंका गांधी लखनऊ में 2 दिन तक पार्टी के एक नेताओं और कार्यकर्ताओं की चुनावों को लेकर सारी तैयारियों का जायजा लेंगी। इसके साथ ही प्रदेश में मौजूदा सियासी और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए मिशन 2022 को लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बताया कि प्रियंका गांधी फ्लाइट से लखनऊ पहुंची, उनका लखनऊ में प्रवास गोखले मार्ग पर शीला कॉल कोठी में होगा। बता दें इससे पहले भी जुलाई में प्रियंका गांधी ने लखनऊ का 3 दिवसीय दौरा किया था। उस दौरान प्रियंका गांधी ने जमकर बीजेपी पर निशाना साधा था, वहीं हजरतगंज की गांधी प्रतिमा पर मौन धरना भी दिया था। बड़ी बात यह है कि 2022 के चुनाव सिर पर हैं और कांग्रेस ये बात जानती है कि प्रियंका गांधी वो चेहरा है जो यूपी में कांग्रेस की गिरती हालत को संभाल सकती है, लेकिन कांग्रेस की राह इतनी आसान नहीं है। प्रियंका जब जब यूपी का दौरा करती हैं, तब तब बीजेपी उन पर पिकनिक मनाने आने का तंज कसती है, और इस बार भी यही हुआ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रियंका गांधी पर जमकर तंज कसा है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी तो यूपी पिकनिक मनाने आती है। आप खुद सुनिए इसकी स्वतंत्र देव सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए आज ये लोग मंदिर जा रहे हैं, नेहरू जी ने राम मंदिर के बारे में क्या बोला ये बताने की आवश्यकता नहीं, इंदिरा जी ने संतों पर गोली चलाई जब संसद का घेराव संत कर रहे थे, सोनिया के राम सेतु नहीं है, राम नहीं है, राम के अस्तित्व को नकारा इन्होंने। आज यानी मोदी जी आए तो देश का नींव रखा गया, देश का आज मंदिर का निर्माण हो रहा है, आज मंदिर का नींव रखा गया राम जन्मभूमि का, और एक भी दुर्घटना नहीं हुई, एक भी दंगा नहीं हुई, मुसलमान हिंदू सब मिलकर शांति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप क्यों भड़का रहे हैं। दोनों जब राज्य के लोग मिलकर इस राज्य का विकास चाहते हैं, देश का विकास चाहते हैं, तब आप ड्रामा करने निकले हैं। इसलिए जनता परिपक्व है, जनता जानती है कि मेरा नेतृत्व कौन कर सकता है, एक ईमानदार।
वैसे तो यूपी में कांग्रेस की स्थिति की बात की जाए तो अच्छी नहीं कहा जाएगा। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें ही मिल पाई थी और देखा जाए तो कोई बड़ा चेहरा भी कांग्रेस के पास यूपी में नहीं है जो प्रभावी हो। लेकिन प्रियंका की मौजूदगी को नकारा नहीं जा सकता है और ये बात बीजेपी समेत दूसरे दलों को भी पता है कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए काफी है और इसका असर 2022 के चुनाव में पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी के आने पर सड़कों पर कांग्रेसी अपनी मौजूदगी दर्ज करवाते हैं उससे यही लगता है कि अगर प्रियंका गांधी यूपी में लंबे समय तक मौजूद रहती हैं तो कांग्रेस की हालत में सुधार हो सकता है। लेकिन प्रियंका का आना और 2 दिन बाद वापस दिल्ली चले जाना बीजेपी को मौका देता है कि वो प्रियंका पर तंज कर सके। खैर, प्रियंका की यूपी में मौजूदगी कांग्रेस को कितना मजबूत कर पाएगी ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।